नमस्कार दोस्तों, माजा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी लेटर को 3D में कैसे लिखते हैं, 3D लेटर कैसे राइट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वो इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, आप अपने डेस्कटॉप के सामने ये जो देख रहे हैं इमेज, और जिस इमेज पे जो लिखा हुआ लेटर है, ऐसे ही लिखावट को 3D लेटर बोला जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं कि 3D लेटर कैसे लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। वर्ड फाइल पे हम 3D लेटर लिखकर आपको दिखाते हैं कि 3D लेटर कैसे हम लिखते हैं। लेकिन 3D लेटर हम एक आपको इमेज पे लिख के दिखाते हैं, देखने में भी सुंदर लगेगा। तो करते क्या है, पहले एक इमेज डाल देते हैं। देखिए, इंसर्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर हम क्लिक कर देते हैं। और बगल में देखिए पिक्चर का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके हम क्लिक करते हैं। और डेस्कटॉप पर एक हम इमेज रखे हुए हैं, उस इमेज पर हम आपको 3D लिख कर दिखाते हैं। देखिए, ये एक इमेज है, जो इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं, वहाँ पे क्लिक करके। देखिए, कॉर्नर में इंसर्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। पेज जो है बड़ा है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से छोटा कर देते हैं, ताकि मेरा पिक्चर जो है पूरा यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से। देखिए, क्रॉप का ऑप्शन है, पिक्चर जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं, यानी कि पिक्चर को कट करके हम छोटा कर देते हैं, यानी कि जितना पिक्चर का ज़रूरत है उतना ही रखते हैं। देखिए, ये एक पिक्चर हो गया, और इस पिक्चर पे हम 3D लेटर आपको लिख कर बताते हैं। चाहते तो 3D ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन पिक्चर पर डालेंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा। देखिए, इंसर्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाइए, और देखिए इधर वर्ड आर्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, जो डिज़ाइन आप लेना चाहते हैं यहाँ पर उस तरीके से ले सकते हैं। जिस पर क्लिक कीजिएगा उस डिज़ाइन में वहाँ पर टेक्स्ट होगा, तो ये कोई भी हम अभी ले लेते हैं। देखिए, और ये जो लिखा हुआ है योर टेक्स्ट हेयर, इस लेटर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम न्यू लेटर टाइप करते हैं। तो होम वाले ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ डिज़ाइन आप चूज कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको यहाँ से लेना होगा। तो एक डिज़ाइन हम कोई भी हेडिंग वन जो है वहाँ पर क्लिक करते हैं, और साइज़ बड़ा कर देते हैं, या लेटर जो टेक्स्ट करेंगे उसका साइज़ हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम टाइप करके आपको दिखाते हैं हाउ टू राइट। अब इसको हम डिज़ाइन में डालते हैं। डिज़ाइन में डालने के लिए फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स, वहाँ पे जाइए, और नीचे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। अब इसमें इतना सारा डिज़ाइन है, जैसा आप उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर ले जाके क्लिक कीजिए। एक इस पर हम क्लिक कर देते हैं, और ये देखिए, ये सिर्फ लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर को हम आपको 3D बना के दिखाते हैं कि इस लेटर को 3D में हम कैसे बना देते हैं, ये आपको बताते हैं। पहले फुल इमेज पे इसको कवर कर देते हैं, कलर इसका क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट फिल का ऑप्शन है, देखिए ऊपर में, वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है, और जो कलर आप यहाँ से लेना चाहते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगे उस पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। तो मैरून पे हम क्लिक करते हैं, और टेक्स्ट आउटलाइन है, यानी कि लेटर का बाहरी लाइन जो है उसको भी कलर कर देते हैं। तो टेक्स्ट आउटलाइन पर देखिए जो कलर है, हम व्हाइट कर देते हैं। देखिए, रेड पे व्हाइट आउटलाइन हो चुका, और ये सिर्फ लेटर लिखा हुआ है, इसको 3D हमको बनाना है। तो 3D बनाने के लिए टेक्स्ट इफेक्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाइए, और नीचे देखिए 3D रोटेशन है, लेकिन उससे पहले देखिए उसके ऊपर एक बेवल का ऑप्शन है 3D रोटेशन से। इससे होगा क्या कि लेटर उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, इस पर जैसे जैसे आप ले जाएंगे उस तरह का लेटर बनेगा। जब इस तरीके से हम लेटर को कर देते हैं, और अब इसको 3D में रोटेट कराते हैं, तो नीचे देखिए 3D का ऑप्शन है, जिस पे आप ले जाइएगा उस तरीके से वो मूव हो जाएगा। तो कोई एक हम चूज कर लेते हैं यहाँ से, आपको जो रखना होगा वो आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन हम रख लिए, और इसको सीधा कर देते हैं इस तरीके से। आप 3D लेटर बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है लेटर ऊपर से डाला गया। और टेक्स्ट इफेक्ट पर जाते हैं, और इसमें ग्लो डाल देते हैं। ग्लो अगर आप डालना चाहते हैं तो ग्लो लेटर के पीछे आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी हम ग्लो एक डाल देते हैं। ये देखिए, ये लेटर देख के आप समझ गए होंगे कि 3D लेटर ऐसे ही लिखते हैं। तो हाउ टू राइट, दोबारा एक बार देख लीजिए, 3D हम टाइप करते हैं, तो फिर उसी तरह इंसर्ट में जाके यहाँ से एक ले लीजिए जिस पर आपको टाइप करना है, और ये लेटर को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं होम में जाकर। डिज़ाइन जो आपको लेना है वो डिज़ाइन वहाँ से चूज कीजिए, साइज को बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं 3D।
देखिए, फिर उसी तरह फॉर्मेट में जाना है और टेक्स्ट इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाइए और ट्रांसफॉर्म में जाकर जो डिज़ाइन आपको बनाना है वो डिज़ाइन आप यहाँ से चूज कर दीजिए। कोई एक डिज़ाइन हम यहाँ ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ब्रा कर देते हैं। अब ये देखिए, ये सिर्फ सिंपल एक लेटर लिखा हुआ है, ये अभी 3D बना नहीं है। जैसे ऊपर वाला 3D है, इसको 3D बनाने पहले तो कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका ब्लू कलर कर देते हैं। और आउटलाइन अगर आपको देना है तो टेक्स्ट आउटलाइन के ऑप्शन है, वहाँ पे जाइए और जो कलर आपको देना है वहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए, ब्लू पे रेड का आउटलाइन हो गया। अब हम इसको 3D बनाते हैं, तो टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन है, वहाँ पर जाना है और बेवल वाले ऑप्शन पर क्या करना है, जाकर जो आप डिज़ाइन लेना चाहते हैं ले लें। ये देखिए, ये लेटर उभरा हुआ लग रहा है लेकिन अभी 3D बना नहीं है। इसके लिए 3D रोटेशन देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जो आप डिज़ाइन लेना चाहते हैं ले लीजिए। देखिए, ये लेटर स्पष्ट लग रहा है कि ऊपर से पिक्चर पे डाला हुआ है। ग्लो हम इसमें डाल देते हैं, जो कलर का आपको ग्लो डालना है डाल सकते हैं, व्हाइट का डाल देते हैं। अभी देखिए, ये लेटर स्पष्ट 3D हो गया, इसी लेटर को 3D कहते हैं। तो हाउ टू राइट 3D और नीचे एक डाल देते हैं लेटर। तो अगर एक बार आपको नहीं समझ में आया हो तो दो बार नहीं, तीन बार हम यहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हैं, तीन तीन बार हम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों बार में आप समझ लीजिए कि लेटर को कैसे हम लोग लिखेंगे, 3D कैसे बनाएंगे। साइज को यहाँ से बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे हम नॉर्मली टाइप कर देते हैं लेटर। फिर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाइए, टेक्स्ट इफेक्ट पे जाके ट्रांसफॉर्म में कोई भी डिज़ाइन हम यहाँ से ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। इसको फुल इमेज पे कवर कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से इमेज जो है, इमेज पे टेक्स्ट को कवर करते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट फील्ड पे जाके जो कलर लेना है वो कलर आप ले सकते हैं। और आउटलाइन अगर देना हो तो टेक्स्ट आउटलाइन वाले ऑप्शन पे जाइए और लेटर का आउटलाइन हम रेड डाल देते हैं। देखिए, टेक्स्ट इफेक्ट पे जाकर बेवल वाले ऑप्शन को ये क्लिक कर देते हैं और तब टेक्स्ट इफेक्ट पे जाइए और 3D रोटेशन, यहाँ से हम इसको 3D में क्या करते हैं, मूव करा देते हैं। देखिए, इस तरीके से 3D लेटर हम बना दिए, हाउ टू राइट 3D लेटर। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से 3D लेटर लिखना सीख जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।